अज तलवाड़ा च स्टाफ क्लब के पिछले पासे अचानक अग लगन लोगों में बेचैनी फैल गई। अग दियां उच्चियां लपटां ते धुएं दे गुबार साफ नजर आ रहे सन। इस लगी अग नूं बीबीएमबी फायर सर्विस के कर्मचारियों ने बड़ी मुशक्कत तो बाद काबू पाया। इस संबंध में स्वय सेवी अवतार कृष्ण ने प्रशासन तो अग लगन के कारण लभन की अपील की है ते कहा कि इस तरह अग लगन नाल वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पब्लिक स्पोर्ट न्यूज फोकस के नाल तलवाड़ा तो मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। किसी जी उसे दो गड्डियां आपको पा के आए। अच्छा अच्छा। उस तो बाद सानू उसे ही मैसेज आया भर लेनु गड्डी। ठीक है। सीधे ऑन द स्पॉट इतने आए। पहले तुम प्यार साग बुझा के आ रहे हैं। साग बुझा के पैसे भी इतने आए। 15 मिनट पहला सानू पता लग गया 12 मिनट सानू कम करने हो गए। ये तलवाड़ा के सेक्टर 1 रेस्ट हाउस के नीचे बहुत तेजी से आग फैल रही है। इन कारणों का पता किया जाए। ये किसने लगाई है, क्या इस ढंग से सफाई की जा सकती है, जबकि जहां से 200 मीटर की दूरी पर फायर है, फायर ब्रिगेड आ चुकी है। लेकिन अगर ऐसे ही गर्मियों में ये आग लगती रहेगी और पेड़ सड़ते रहेंगे तो पर्यावरण और वायुमंडल में हम कितनी ऑक्सीजन खत्म कर देते हैं, कितने परिंदे पक्षी जलकर खाक हो जाते हैं, इसके लिए हमें ध्यान देना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हम खुद अपने जीवन को अपने आप खत्म कर रहे हैं। इतनी बड़ी भयानक आग यहाँ से 200 मीटर से फायर ब्रिगेड है। अगर ऐसे ही ये चलता रहा तो हम अपने पर्यावरण को नहीं बचा सकते। इसके लिए जागरूकता की बहुत बड़ी जरूरत है और हमें सभी लोगों को इसके लिए अवेयर होना चाहिए। जबकि ये बीबीएमबी का तलवाड़ा शहर है, इसमें पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जिस हालात से ये अग्नि फैल रही है ये पूरे शहर को भी अपनी लपेट में ले सकती है। इसलिए हमारी केंद्र सरकार और पंजाब सरकार और डीसी होशियारपुर से निवेदन है, अगर ऐसी घटनाओं को नहीं रोका गया तो साथ में जंगल लगते हैं तो ये अग्नि विराट रूप धारण कर सकती है, जैसे कि हिमाचल शिमला में चल रही है। इन छोटे छोटे प्रयासों को हमें सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए। जो भी सिगरेट बीड़ी पीते हैं या किसी और कारणों से ये आग लगाते हैं, इसमें जागरूकता की जरूरत है। अगर किसी शरारती अंसर ने ये आग लगाई है तो उसको दंड दिया जाना चाहिए। धन्यवाद। ऊपर तो गाजर फोर जिसका लाके जा रही है, इसका बरूद है सा थले नीचे पत्ता बहुत होंगे है, जगह बरूद है और बीबीएमबी को सफाई सेवकों की घाट है, उन्होंने जल्द पूरी किया जाए। वैसे जो कर्मचारियों की कमी है, बीबीएमबी के पास जो कर्मचारी सफाई सेवकों की कमी है उनको तुरंत भरा जाए। ये सफेदे के पेड़ हैं, इनके नीचे अक्सर पत्ता जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, जो अग्नि को आगे वृद्धि करने के लिए बहुत काफी है। और इस अग्नि से इसको किसी और रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे छोटे छोटे थर्मल चलाए जा सकते हैं, इससे भट्टियां चलाई जा सकती हैं, जिसमें जैसे मूंगफली और अन्य चीजें हम हलवाई की दुकानों में इस्तेमाल करते हैं, ये ऊर्जा वहां काम आ सकती है। लेकिन आज ये ऊर्जा पर्यावरण को खराब कर रही है, ऑक्सीजन हमारी लेवल कम हो रहा है। इसलिए हमें सभी को इसकी जागरूकता करने की बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम ना जाके और ऐसे ही अपने संसाधनों को नष्ट करते रहे तो आने वाले दिनों में जीवन बात पर ही हमारा कष्टदायी होगा। इसलिए हमें सभी को जागरूक होना ही पड़ेगा। आज हो जाएं, कल हो जाएं, लेकिन जागरूकता के बगैर ये अभियान सफल नहीं हो सकते। और बीबीएमबी से अनुरोध है कि जितने भी सफाई कर्मचारियों की पोस्टें खाली हैं उनको चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे चाहे किसी और रूप में इनको भर्ती किया जा सके, ताकि जो सफेदे के नीचे पत्ते हैं इनको समय से हटाया जा सके। धन्यवाद। दिखाओ पंडित जी। अरे ना लग भी आनी होने है। हाँ ये तो होना और ये मोरा बंद करना चाहिए। अच्छा जिस बंद रही है ना उसको बंद करना चाहिए। अब देखता टेम्परेचर देखा है। हाँ जी हाँ जी ये तो है। और हमारा टेम्परेचर अच्छा चल जानी है।